मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। ग्वालियर में अपने तीन दिवसीय प्रवास पर आए केंद्रीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार सुबह पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पहुंचे। यहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अखिल भारतीय परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री व संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रीधर पराड़कर से चर्चा की। दोनों ने करीब आधा घंटे तक बंद कमरे में गहन मंत्रणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जुलाई को इंदौर आएंगे, जहां वे बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाह भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जनापाव जाएंगे। मानपुर के पास पहाड़ी पर स्थित जनापाव ब्राह्मणों का तीर्थ स्थल है। जाहिर है कि बीजेपी की ब्राह्मण वोटर्स पर नजर है। पिछले चुनाव में सीएम के एक बयान के बाद पार्टी को ब्राह्मणों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। इंदौर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को एक महीना पूरा हो गया है। लोगों को ट्रेन की सुविधाएं तो पसंद आई, लेकिन महंगे टिकट ने यात्रियों को इससे दूर कर दिया है। आंकड़ा देखें तो 530 पैसेंजर्स में रोजाना औसत 113 यात्री ही सफर कर रहे हैं, यानी रोजाना 20% सीटों के साथ ही वंदे भारत इंदौर से भोपाल तक दौड़ रही है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार का कोच तो 25 जुलाई को पूरी तरह ही खाली लेकर जाना पड़ा था। पन्ना जिले की रत्नगर्भा धरती ने एक बार एक साथ 10 साथियों की किस्मत चमका दी। इन साथियों को जरुआपुर की उथली हीरा खदान से 7.90 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। हीरा पाते ही किसान ने अपने सभी साथियों के साथ हीरा कार्यालय पहुंचकर हीरा को जमा करवा दिया, जो अब आगामी हीरा नीलामी में रखा जाएगा। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में शुक्रवार अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जरूरत है। उनके कार्यकाल में देश सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर अग्रसर हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।